अस्सलाम वालेकुम, पुरकशिश लम्हात में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आप मुफीद तिबी मशवरे, फ्री नुस्खा जात और रहनुमाई और हमारी हौसला अफज़ाई के लिए हमारे चैनल पुरकशिश लम्हात को सब्सक्राइब कीजिए। आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए चैलेंज है। आप सबको वगरा से ज़्यादा ताकतवर टाइमिंग बढ़ाने वाली जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगी। सर्दियाँ लंबी हम बिस्तरी होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन आज एक ख़ास नुस्खा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तमाम जनाना व मर्दाना अमराज, इनका इलाज और इनके हल के लिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में अपना मसला हमें बताना है, हम आपके मसले को देखेंगे और इस पर अपनी वीडियो बनाएंगे और इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हम आपके तमाम पोशीदा अमराज का हल अपने पास रखते हैं, तो आप अपना मसला ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें आपकी खिदमत में कुछ वीडियो रखने का शर्फ हासिल हो, ताकि हम आपके किसी काम आ सकें। दोस्तों, आज आपके लिए ख़ास तोहफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। तिब्बी हम बिस्तरी, लंबी हम बिस्तरी, कौन मर्द नहीं चाहता। दोस्तों, ये नुस्खा सिर्फ़ शादीशुदा हजरात के लिए है, ये सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें आप, क्योंकि ये नुस्खा ज़ोर आवर है, ये बहुत ताकतवर है, बहुत गर्म है और कंवारे हजरात इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलें अब हम इसको अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम आते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खा में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं फ्रेंड्स। हमें पोस्त बेख, ऊंट कटारा और शहद को अच्छी तरह से आपस में मिला लेना है। खालिस शहद में आपने ये जड़ी बूटी मिला लेनी है। ऊंट कटारा एक जंगली जड़ी बूटी है जो बआसानी मिल जाती है। आप किसी भी पंसार के पास चले जाएं, आप उसे ऊंट कटारा की जड़ी बूटी का कहें तो वो बआसानी आपको वहां से मिल जाएगी। इस नुस्खे के लिए आपने सारा मतलब इसका ताज़ा फल लेना है, उसको ग्राइंडर कर लें, उसको कूट लें या पीस लें, जैसे आपको आसानी लगे। आपने उसको बारीक पीस लेना है और इसको शहद में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, शहद में मिला लेना है आपने। और वक्ते ख़ास, यानी कि जब आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपको पता हो कि अब हम बिस्तरी करने वाले हैं, तो उसे एक घंटा पहले आपने अपने नफ्स पर इसको लेप कर देना है। फिर से बताती चलूँ, आपने ये जो माजून बनाना है, ये जो आपने शहद में अपना नुस्खा तैयार करना है, इसको आपने हम बिस्तरी से एक घंटा पहले अपने अज़ुए तनासल या नफ्स कह लें उस पर लेप कर लेना है। तो इस्तेमाल करते ही नफ्स में बिजली जैसी ताकत आ जाएगी, नफ्स लोहे जैसा सख्त हो जाएगा। जितनी मर्तबा चाहें हम बिस्तरी करेंगे, आपका नफ्स नीचे नहीं आएगा। शर्तिया टाइमिंग एक घंटा से कम नहीं होगी। नाज़रीन आप वगरा को भूल जाएंगे। बग़ैर नशावर अशिया के अमसाक पैदा करना इस जड़ी बूटी का ही कमाल है। सो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी आज मैं नुस्खा लेके आई थी। ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है, गारंटी शुदा है, बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया हुआ है और पुराने हकीमों की ये इलाज है, हल है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस मैं आप तक बआसानी पहुंचा सकूं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।